तो मैं आज लेने वाली हूँ मेरा सब्सक्राइबर का नाम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के टाइम चाय पिए जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए अभी शाम का वही 4:30-5 ऐसे ही टाइम होगा। असर का नमाज़ पढ़ के चाय पी रहे हैं। और देखिए रूही और रूही का फ्रेंड झुमा, तो ये लोग कल शाम में आई है। तो कल का व्लॉग मैं बनाई हूँ लेकिन वो वाला व्लॉग मैं एडिट नहीं की। तो ये वाला व्लॉग बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, तो जिस वजह से मैं सोची इसको पहले एडिट करके मैं आप लोग तक पहुँचाऊँ, फिर वो वाला व्लॉग फिर मैं दूसरे दिन पहुँचा दूँगी। क्योंकि देखिए इस व्लॉग में मैं अपना ब्लेज टूट करवाई हूँ। तो ठीक है, तो चलो आप लोग वीडियो इंजॉय करो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए अभी शाम होने वाला है और हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए और साथ में स्टार्ट कर दिए हैं ब्लॉगिंग। और यहाँ पे देखिए सामने जो फील्ड है ना, वहाँ पे बच्चे सब खेला है, बाबू कर रहा है जिद वहाँ पे जाने के लिए। तो जाएंगे फिलहाल धीरे धीरे चलेंगे। कितना हवा चल रहा है ना, देखिए पीछे है रूही है, झुमा है, इधर आरुष भी है। चलेंगे चलो भाई चलो, उसका फरमाइश पहले पूरा कर देते हैं। चलो तो बहुत हमारा गांव का जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट वो है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। कुछ बोलोगे भी या हाय बाय से निपटा दोगी? हम लोग घूमने के लिए आए हैं अपने गांव, बहुत दिन बाद आए और यहाँ पे बहुत वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम मतलब हवा को उपभोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव का एटमोसफियर कुछ अलग ही होता है, आप देखिए पूरा हरा हरा, पूरा ग्रीनरी है, पूरा हाँ ग्रीनरी है पूरे तरफ से और खाली खाली है। जोड़े बॉल है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ेगा। और कितने जोर से बोलूँ, हवा का आवाज़ ज़्यादा है कितना हवा रही है। और तो मतलब रास्ता जो है ये भी बहुत अच्छा है, एटमोसफियर बहुत अच्छा है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा, देखिए कितना हवा चल रहा है। जो लोग गांव में रहते हैं साल में होगा, साल में एक दो बार आते ही हैं, बहुत दिन बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए। रिक्शा वाला से रिक्शा पागल लगे रिक्शा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मेरा गांव है पूरा
पेड़ से भरा हुआ है। और आज मैं आप लोग के साथ मेरा बचपन का कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे देख के अभी मुझे याद आ गया, तो ऑब्वियसली मैं आप लोग के साथ शेयर तो करूँगी ही। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पेड़ है ना, आम का पेड़ है, यहाँ पे हम लोग बचपन में आते थे और दोपहर के टाइम खास करके आके ना कच्चा कच्चा जो छोटा छोटा आम होता है ना, उसको तोड़ के हम लोग हरा मिर्ची नमक लगा के जो खाते हैं ना, वो खाते थे। तो इस पेड़ का जो आम है ना, बहुत ही खट्टा है, और कच्चा में तो खट्टा है और पकने के बाद मुझे नहीं पता है क्या कैसा है, क्योंकि देखिए कोई पकने देता ही नहीं है कि कच्चे में ही सब तोड़ के खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रेंड है, सब मिलजुल के हम लोग आते थे और खाते थे, वो मतलब याद आज ताज़ा हो गया। चुपके घर में बिना बोल के आ जाते थे आम लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मेमोरीज है हम लोगों को, अभी तो वो सब हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं। गांव में नहीं तो बस यही फंडा है, कितना फूल है कोई बता सकते हैं आप लोग? आप लोगों में से अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताना। अभी मैं नहीं बता रही हूँ, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है? और देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे ये जंगल नहीं है, आप लोगों में से कोई कोई शायद सोच सकते हैं कि जंगल में है, यार जंगल है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ये पेड़ जो कि है लगाया गया है, हमारा गांव में जो है पेड़ का कोई कमी नहीं है, वो लगाया जाता है। और पेड़ को बहुत अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, बच्चों का जैसे पालना होता है ना, वो होता है, केयर करते हैं, पेड़ काटा नहीं जाता है। तो ये है हमारा गांव का जो एक प्लस पॉइंट है बोल सकते हैं। तो चारों तरफ देखिए ग्रीनरी आपको, आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे पेड़ एक्चुअली लगाया गया, हम लोग जो छोटे छोटे थे ना तब लगाया गया था, छोटे मीन्स शायद 10-12 साल का था, उधर 10-12 साल की थी तब। उधर देखिए नया तालाब भी हुआ है क्या उधर, देखो नहीं, हाँ, पहले से था, छोटा था। रामधनु की नाम छो, रामधनु रामधनु एटा रामधनु ओटा छिलो ना, पर ओई तालाबटा छिलो ना बोल रहा। तो अभी शाम होने वाला है और ज़्यादा हम शायद, मुझे लग रहा है कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी शाम हो जाएगा। शाम होने से गांव में आप लोग को पता है कि अंधेरा हो जाता है, उतना लाइट वगैरह नहीं होता है, तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतना शूट कर रही हूँ। तो देखो यार हमारा गांव, यह छोटा सा खजूर का पेड़ है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। कल ब्लॉगिंग पर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कल झुमा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। हम लोग डॉक्टर के पास ले गए थे और मैं देखिए माइक लेके बात कर रही हूँ क्योंकि अभी वो लोग सो रही है, तो मैं धीरे धीरे करके बात कर रही हूँ। तो मैं सोची आज मॉर्निंग से शुरू कर देती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग है अभी और मैं अभी जाऊँगी छत पे क्योंकि मेरा कुछ सब्सक्राइबर है, मैं उन लोगों का नाम लेने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आज मुझे उन लोगों का नाम लेना है तो यहाँ पे तो नहीं ले सकती क्योंकि देखिए अभी लोग उन लोगों सो रही है। तो बहुत धीरे धीरे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ छत पे जाके आराम से मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँगी। ठीक है, चलो चलते चलते हैं। और देखिए ये लोग अभी सोई हुई है, उठी नहीं है अभी, तो हम लोग सीधा जाएंगे छत पे। ठीक है, अभी सोने देते हैं, तब तक मेरा वीडियो भी बन जाएगा, फिर उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो ट्राइपॉड पे फोन को सेट कर देती हूँ। और पता है मैं ना ब्रश कुछ नहीं की हूँ, तो पहले मैं मेरा जो सब्सक्राइबर है उन लोग का नाम ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो मैं आज लेने वाली हूँ मेरा सब्सक्राइबर का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्सक्राइबर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, पहले मैं उनका नाम लूँगी क्योंकि देखिए मेरा जब 30-40 सब्सक्राइबर था तभी से वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट किए हैं, तो वो आज तक भी मुझे मेरा साथ देते हैं। तो पहले मैं उनका नाम बोलूँगी, फिर धीरे धीरे एक एक करके सबका नाम बोलूँगी। तो सबसे पहले नाम आता है सारा का। जब मेरा 40 सब्सक्राइबर था तब उन्होंने मुझे कमेंट किए थे और मैं बहुत खुश हो गई थी। तो अभी वो फिलहाल कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मैं वीडियो देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उनका छोटा बच्चा है, तो बच्चों में वो बिजी रहते हैं जिस वजह से वो कमेंट नहीं कर पाती हैं। दूसरा है लिप्सा, जो अभी भी कमेंट करती है और बहुत ही अच्छा अच्छा प्यारा कमेंट करती है। वो मेरा 50-60 या 70 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर था तभी से वो मुझे कमेंट करती है और आज तक भी करती है। और नाम है समरीना, समरीना जी वो भी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करती है, समरीना खान। और फिर आती है नेहा, तो नेहा उनका जो नाम है सुष्मिता चौधरी, देखिएगा आज तक भी वो कमेंट करती है, बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट करती है नेहा, थैंक यू नेहा। और नेहा का बेटी का नाम है अनन्या, जब मैं लाइव आती हूँ तो अनन्या भी आती है, और तो लव यू अनन्या बेटा। और एक कमेंट आता है प्रवीण देसाई, वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं। और ये पंकजा जी आप भी बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। और कमेंट करती है सिद्धि समरू, तो लव यू सिद्धि समरू बेटा। और एक कमेंट आते हैं मोहम्मद रमजान, और एक कमेंट आते हैं सिरिन फरहत की, तो वो भी बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक कमेंट आती है प्रियंका रॉय और सोविया सैम। और एक कमेंट आया था मैंने जो होम टूर का वीडियो बनाई थी ना उसमें बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू आया है, तो उसमें रुखसार कमेंट की है, पूछी है एक्चुअली मुझे कि मेरा जो डाइनिंग टेबल है उनका प्राइस कितना है। तो रुखसार जी मेरा डाइनिंग टेबल का दाम था 45,000 ऐसे ही कुछ, उससे ज़्यादा या कम ऐसे कुछ होगा 45,000। ठीक है, और एक कमेंट आते हैं रोजा राजेश, थैंक यू रोजा राजेश जी। तो चलिए फिर आज का वीडियो एक पे एंड करने वाली हूँ, तो अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, कि आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेक श्योर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।